हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंबिका। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप माचिस की तीली से ये कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़का है या लड़की है। आज का वीडियो मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ, यानी कि मेरी सब्सक्राइबर की सजेशन में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको वीडियो में जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल सके। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना रखिए, ये वीडियो देख के कोई गलत कदम ना उठाइए जिससे आपको और आपके बच्चे को कोई खतरा हो। एक माँ के लिए एक लड़का और लड़की दोनों ही बराबर होते हैं, दोनों ही उतने ही प्यारे होते हैं। माँ के लिए जितना एक लड़का होता है उतना एक लड़की होती है। तो एक माँ के लिए लड़का और लड़की में कोई भी भेदभाव रखना नहीं चाहिए, दोनों ही आपके बच्चे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको ये बता दूँ, ये वीडियो में जो बातें मैं बताने वाली हूँ इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसका जो मैं बताने वाली हूँ वो 100% सच हो, क्योंकि ये 80% तक सच होता है, बाकी 20% ये सच नहीं होता है। कभी कभार वो धोखा लग जाता है तो गलत सही हो जाता है, नहीं तो कभी कभार वो गलत हो जाता है। तो ये वीडियो में जो बातें मैं बताने वाली हूँ इसका कोई साइंटिफिक रीज़न बिल्कुल भी नहीं है, बस आप अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। बाकी मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये वीडियो देख के आप कोई गलत कदम ना उठाइए जिससे आपको और आपके बच्चे को कोई खतरा हो। तो चलिए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सुबह उठते ही, यानी कि आप जब सो के उठते हैं तो सुबह का पहला यूरिन, यानी कि मॉर्निंग का जो पहला यूरिन है आपको वो लेना है। आप एक प्लास्टिक कंटेनर भी ले सकते हैं, नहीं तो चाहे तो आप कोई ग्लास में भी ले सकते हैं, चाहे वो ग्लास कांच का हो, नहीं तो मेटल का हो, नहीं तो वो प्लास्टिक का हो, लेकिन जो ग्लास नहीं तो जो आप कंटेनर लेते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो आपको एक साफ़ सुथरा कंटेनर में सुबह का मॉर्निंग का जो पहला यूरिन है वो लेना है। और दूसरा आपको क्या करना है, एक माचिस की तीली लेना है और उसका ऊपरी हिस्सा जहाँ से आप माचिस को जलाते हैं, यानी कि जहाँ पर वो मसाला लगा रहता है, जो ऊपरी हिस्सा रहता है माचिस का, उसको आपको डुबाना है आपकी जो सुबह का यूरिन में। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आपको एक साफ़ सुथरा कंटेनर में, नहीं तो ग्लास में सुबह का यूरिन लेना है, और जो माचिस का तीली लेते हैं वो उसका जो ऊपरी हिस्सा जहाँ से हम माचिस को जलाते हैं, यानी कि जहाँ पे जो माचिस का मसाला लगा रहता है, उसको आपको यूरिन में डुबाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको माचिस की तीली को जलाना है। जैसे हम नॉर्मली माचिस को जलाते हैं, वो माचिस की तीली को जलाना है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपका जो यूरिन में डुबाया हुआ जो माचिस का तीली, अगर आपको उसको जलाते हैं वो जल जाता है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपके जो होने वाला बच्चा है वो लड़का होता है। और वहीं पे वो माचिस अगर जलता नहीं है, वो माचिस की तीली अगर जलता नहीं है, तो ये माना जाता है कि आपका जो होने वाला बच्चा है वो एक लड़की होती है। अभी हम ये बात करते हैं, क्या सच में ये जो बात है वो साबित होता है। मेरी सब्सक्राइबर ने जब मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए बोला, यानी कि इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाने के लिए सजेशन दिया, तभी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे वीडियोज़ को देखा, बहुत सारे इसका जो रिजल्ट है उसके ऊपर मैंने फोकस किया, क्या सच में ये जो बात है वो साबित होता है। यहाँ पर मुझे ये पता चला कि कई हद तक इसकी जो रिज़ल्ट है सच साबित होता है, यानी कि 70% तक ये जो रिज़ल्ट 70-80% तक इसका जो रिज़ल्ट है वो सच साबित होता है। और बहुत सारे लेडीज़ में ये जो रिज़ल्ट है इसका जो रिज़ल्ट है वो सच साबित हुआ है। कभी कभार ये गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कभार ये तुक्का लगाते हैं तो वो गलत हो जाता है कभी, यानी कि जो 20% है वो उनका जो रिज़ल्ट है वो गलत आया है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो 80% तक सच होता है। आपको मैं ये बता दूँ कि ये वीडियो देख के, ये सब देख के आप अपने आप को और अपने बच्चे को कोई नुकसान ना कीजिए, क्योंकि आप ये वीडियोस को देख के कभी कभार जो रिजल्ट है वो गलत साबित हो जाता है, कभी कभार सच होता है और कभी कभार गलत हो जाता है। इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि सच में सच होता है, ये सच में ये 100% इसका जो रिजल्ट है वो सच साबित होता है, कभी कभार गलत होता है, कभी कभार ये सच हो जाता है। तो इसके ऊपर, यानी कि ये सब देख के आप अपने आपको और अपने बच्चे को कोई नुकसान ना पहुँचाइए, क्योंकि ये कभी कभार सच होता है और कभी कभार गलत हो जाता है। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा, तो मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मेरी चैनल में अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। अगर आपको मुझे कुछ पूछना है, अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है मुझसे, नहीं तो किसी टॉपिक के ऊपर आपको मुझे अगर जानना है आपको मुझसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपके कमेंट को रिप्लाई देने के लिए, और अगर आपका टॉपिक अच्छा रहा तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।